ओके ले खाओ सुनो ट्रांसफर प्राइसिंग रो विभिन्न कॉन्सेप्ट हमें ऑलरेडी डिस्कशन करीचे ओके विभिन्न कॉन्सेप्ट कहले ट्रांसफर प्राइसिंग कौन हम मैनेजमेंट अकाउंट ने केतल फिक्स करिवो मैनेजमेंट केतल फिक्स करिवो केतते बेले तमे जस्टिफिकेशन केमती करिवो अपनी प्रिपेरेशन करिवो केतते बेले इनकम स्टेटमेंट एट ए गिवन ट्रांसफर प्राइस तो ये टॉपिक ऊपर आम एबे प्रॉब्लम करिया तो लेख गोटे एग्जांपल जेहेतु आम कौन प्रॉब्लम करे तो किसी एग्जांपल करवा देखा ये चैप्टर आम दिमाग रोचे ना ना लेख ए कंपनी फिक्सेस द इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफर प्राइस पीडी लेख क्वेश्चन डाकुची ए कंपनी फिक्सेस द इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफर प्राइस On the basis of a cost plus estimated return on investment. On the basis of cost plus an estimated return on investment in its division ता माने जेतिक टंकार इन्वेस्टमेंट हेची से डिविजन रे सेई इन्वेस्टमेंट उपर कोन रिटर्न प्लस कॉस्ट फुल स्टॉप लेख द फॉलोइंग्स आर रिलेवेंट डाटा फॉर द डिवीजन एक्स फॉर द ईयर 1991 तमने 91 92 कबाट बंद कर फिक्स्ड एसेट 5 लाख करेंट एसेट अदर देन डेटर करेंट एसेट अदर देन डेटर 3 लाख डेटर 2 लाख लेकिन एनुअल फिक्स कॉस्ट एनुअल फिक्स कॉस्ट 8 लाख बजेटेड प्रोडक्शन क्वांटिटी 4 लाख रेट ऑफ रिटर्न 28% लेको फाइंड आउट ट्रांसफर प्राइस बाय डिटरमाइन ट्रांसफर प्राइस कौन कही क्वेश्चन रे ट्रांसफर प्राइस हम कॉस्ट प्लस रिटर्न ट्रांसफर प्राइस कौन हम कॉस्ट प्लस रिटर्न तो कह कॉस्ट प्लस रिटर्न मेथड रे कॉस्ट कहले की कॉस्ट वेरिएबल कॉस्ट प्लस अवेलेबल फिक्स कॉस्ट प्लस अनअवेलेबल फिक्स कॉस्ट ता सहित कौन रिटर्न कहले रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड कहले करेंट एसेट माइनस ऑफ करेंट लेवल तो आई एम गिविंग यू टू मिनिट टाइम भितर तुम ट्रांसफर प्राइस डिटरमिनेशन कर कन्सेप्ट ऑलरेडी पढ़ी समस्त 2 मिनिट भितर ट्रांसफर प्राइस डिटरमाइन कर डोंट वेट फॉर मी स्टार्ट योर सेल्फ
बसी गल लोग स्टेटमेंट ऑफ ट्रांसफर प्राइस कैसे आसला ट्रांसफर प्राइस कौन 2.7 2.7 कौन ना 12.7 वेरिएबल कॉस्ट ना बने कि ओ आई एम सो सॉरी वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट 10 देतली हां 12.7 तो जब माने को 2.7 आस्तला ठीक ओके सुनो स्टेटमेंट ऑफ ट्रांसफर प्राइस तो टीपी इज इक्वल टू कॉस्ट प्लस रिटर्न कॉस्ट रे कोन कोन आसीबो वेरिएबल कॉस्ट फिक्स्ड कॉस्ट रिटर्न रे आसीबो परसेंटेज ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड हाँ कि नहीं बा तो कैपिटल एम्प्लॉयड कते कैपिटल एम्प्लॉयड कते 10 लाख तो रिटर्न इज इक्वल टू 10 लाख इंटू 28% 10 लाख इंटू 28% कते 2 लाख 80,000 कते यूनिट ट्रांसफर हम कही हाँ बजेटेड है लगे थे 4 लाख यूनिट तो धरने से तीन यूनिट तक हुआ रिटर्न पर यूनिट इज कर लो 2,80,000 डिवाइडेड बाय 4 लाख 0.7 तापर को एनुअल फिक्स कॉस्ट कितने 8 लाख तो फिक्स कॉस्ट एनुअल फिक्स कॉस्ट एनुअल फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट इज इक्वल टू 8 लाख डिवाइड बाय 8 लाख डिवाइड बाय 4 लाख्स इज इक्वल टू कितने 2 एबे को ट्रांसफर प्राइस इज इक्वल टू वेरिएबल कॉस्ट फिक्स्ड कॉस्ट प्लस रिटर्न तो टीपी इज इक्वल टू वेरिएबल कॉस्ट कितने 10 प्लस फिक्स्ड कॉस्ट कितने 2 प्लस 0.7 इज इक्वल टू 12.7 तो लिखो हियर ट्रांसफर प्राइस विल बी 12.7 हियर ट्रांसफर प्राइस विल बी 10.7 नेक्स्ट एग्जांपल गोटे लिख देख डिवीजन एक्स इज ए प्रॉफिट सेंटर डिवीजन एक्स इज ए प्रॉफिट सेंटर व्हिच प्रोड्यूसेस 3 प्रोडक्ट ए बी सी डिवीजन एक्स इज ए प्रॉफिट सेंटर व्हिच प्रोड्यूसेस 3 प्रोडक्ट ए बी सी खमा ईच प्रोडक्ट हैज एन एक्सटर्नल मार्केट ईच प्रोडक्ट हैज एन एक्सटर्नल मार्केट ईच प्रोडक्ट हैज एन एक्सटर्नल मार्केट
पर्टिकुलर ए बी सी मार्केट प्राइस 48, 46, 40 वेरिएबल कॉस्ट लेबर आवर्स रिक्वायर्ड 342 सारे कोड गोटे पाई गले कौन करीबा तम बहिरे भी थाई पारे बट मु मो क्लास को मो हिसाब रे नउछ कारण मो यूट्यूब क्लास जे देखिबे समस्त को पाखे तो तम बही नथिबो ना लेबर आवर्स रिक्वायर्ड 342 देखला तम कहि देला समस्त ताको बही खोलले ये सी फाइनाल क्वेश्चन तुम बही क्वेश्चन तक लेबर है चलो कारण जो मैंने मो क्लास यूट्यूब करेंगे से मैखे तो क्वेश्चन थी दरकार तो से चेषा करनसेप्ट सहित कौन करूँ एग्जाम्पल जहाद्वारा कि यूट्यूब वाला भी मो क्लास संपूर्ण भाव पढ़ी पारे बिवादीय क्लास हाँ निए रिकॉर्डिंग कर स्टार्ट कर मो बी पी बढ़ी जाता लेख प्रडक्ट बी कंटिन्यू कर प्रडक्ट बी कैन बी ट्रांसफर टू डिविजन वाई प्रडक्ट बी कैन बी ट्रांसफर टू डिविजन वाई बट द मैक्सिमम क्वांटिटी बट द मैक्सिमम क्वांटिटी दैट माइट बी रिक्वायर्ड फॉर ट्रांसफर बट द मैक्सिमम क्वांटिटी दैट माइट बी रिक्वायर्ड फॉर ट्रांसफर इज 300 यूनिट्स 300 यूनिट्स फुल स्टॉप द मैक्सिमम एक्सटर्नल सेल The maximum external cell, the maximum external cell, A is equal to 800 units, B is equal to 500 units, C is equal to 300 units. Next line likha, instead of receiving transfer of a product B. Instead of receiving transfer of a product B from division X, comma division Y, instead of receiving transfer of a product X, sorry, product B from division X. कमा डिविजन वाई कुल बाय सिमिलर प्रोडक्ट इन द ओपन मार्केट ₹8.45 per unit फुल स्टॉप व्हाट शुड बी द ट्रांसफर प्राइस व्हाट शुड बी द ट्रांसफर प्राइस इफ व्हाट शुड बी द ट्रांसफर प्राइस इफ लेबर आवर्स अवेलेबल इन डिविजन एक्स इफ लेबर आवर्स अवेलेबल इन डिविजन एक्स लेबर आवर अवेलेबल इन डिविजन एक्स आर 6200 hours full stop. तामने जदि लेबर आवर 6200 अच्छे
ताहले ट्रांसफर प्राइस कौन हम तुम काम है क्वेश्चन पढ़ दी मिनट पांच मिनट टाइम देली निजे टिके ट्राए कर देख आंसर तुम कर कि ना कंटिन्यू कर कौन सब बसीच ना मो अनेच आईले तुम कौन तुम कहने सर आम एत स्वार्थपर आप ना आम क्वेश्चन टाइम सल्व करदू बिलकुल शुणा लेबर के यूनिट्स अच्छे सरी लेबर आवर के छह हजार दुईश ता मैंने तुमको प्रथम देखा पड़ो जे लेबर आवर सर्टेज हो कि ना जदि लेबर आवर सर्टेज है कि फैक्टर पलि ना लेबर आवर दे कौन तेणुक फास्ट तुमको चेक करने पड़ो तुमर लेबर आवर के दरकार अच्छी के तुम प्रथम चेक करने पड़ो तो चेक कर लेबर आवर के दरकार के मुझे लिखेले तुम लिख तो फास्ट लिख स्टेटमेंट्स ऑफ लेबर आवर रिक्वायर्ड स्टेटमेंट्स ऑफ लेबर आवर कौन रिक्वायर्ड
statements of labor are required. Setaku tumi wait karcha mu lekhile tumi lekhibo. आपनको बिना हमें पद्दे धाड़ी आगु जीवनी लेख डिपार्टमेंट एक्स ए प्रोडक्ट बी प्रोडक्ट को प्रोडक्ट सी प्रोडक्ट और डिमांड केत रहइबो एरा आगो मार्केट रे सेल करइबो तो मार्केट डिमांड केत अछि मैक्सिमम डिमांड एक्सटर्नल सेल 800 तापरे 500 300 लेबर आवर्स पर यूनिट आ तमे कोन लिख दैथला ए स्टेटमेंट आखले लिख दैथला लेबर आवर्स पर यूनिट ए रे केते घंटा दउची 3 घंटा बी रे केते घंटा दउची 4 घंटा सी रे राजेश कुमार सी रे 2 घंटा तो को टोटल केते दकरे 2400 2600 टोटल केते 4 2 2 4 5000 आवर्स तमे रिक्वायर्ड केते एक्सटर्नल सेल पे अरे रिक्वायर्ड आवर फॉर एक्सटर्नल सेल रिक्वायर्ड आवर फॉर एक्सटर्नल सेल केते 5000 बट तम पाखरे अछंती केते अवेलेबल लेबर आवर केते 6200 आवर्स तको आइडियली अछि ना डेफिसिट अछि तो आइडियल आवर केते 1200 जदी सुना जदी वाई जति की यूनिट नबो ये 1200 घंटा भीतर बनी जीवो ताले अपॉर्चुनिटी लॉस किछे नाही जदी वाई जति की यूनिट से नबो 1200 घंटा रो अधिका लागिवो ताले एक्सटर्नल सेल रो काटिया पे पड़िवो एक्सटर्नल सेल रो काटिया पे पड़िवो लेखा डिपार्टमेंट एक्स अच्छा वाई केते यूनिट नबो 300 अरे वाई कौन हला व्हाट हैपन पांच हजार दरकार अच्छी 6200 ता माने कोन आमे तो आग बढ़ी छु प्लस ना किछि न कहिले अज्यूम्ड प्लस ए दिटा को कंपेयर करबो सर आइडल केते कोन इधर कोन ठियालो दिया तो पुरुटे की लेखो सुना केते यूनिट ट्रांसफर करबो केते यूनिट 300 300 को प्रोडक्ट बी घंटे को केते नउजी यूनिट को 4 घंटा 300 पे केते दखरे 1200 घंटा 1200 आइडल अछि ता माने प्रेजेंट एक्सटर्नल सेल काटे पे पड़िबो की लेख डिपार्टमेंट एक्स हैज सफिशिएंट स्पेयर कैपेसिटी डिपार्टमेंट एक्स हैज सफिशिएंट स्पेयर कैपेसिटी That is 1200 hours to produce 300 units of B for transfer to Y. Full stop. Since there is a sufficient spare capacity C
सिंस देयर इज सफिशिएंट स्पेयर कैपेसिटी डिपार्टमेंट एक्स शुड नॉट कटेल CURTIL कटेल माने काटिबा डिपार्टमेंट एक्स शुड नॉट कटेल द एक्जिस्टिंग एक्सटर्नल सेल शुड नॉट कटेल एक्जिस्टिंग एक्सटर्नल सेल हेंस देयर इज नो अपॉर्चुनिटी लॉस एस ऑर नो अरे हाँ कि ना बा कॉस्टिंग बहुत सहज पढ़ी जानिले पाठ सहज देयर इज नो अपॉर्चुनिटी लॉस फुल स्टॉप इन दिस केस ट्रांसफर प्राइस शुड बी अच्छा ट्रांसफर प्राइस रो मेथड कही कॉस्ट प्लस रिटर्न मेथड कही ना मार्केट प्राइस मेथड कही ना ताने ट्रांसफर प्राइस इज फिक्स्ड बाय यू तुम्हें किए हेलोनि पास कल तुम्हें किए मन कर आम मैनेजमेंट अकाउंटेंट ताने दिस क्वेश्चन इज बेसिकली ट्रांसफर प्राइस फिक्स्ड बाय मैनेजमेंट अकाउंटेंट तो जितेबाला ट्रांसफर प्राइस फिक्स्ड बाय मैनेजमेंट अकाउंटेंट हम ट्रांसफर प्राइस शुड बी रिलेवेंट कॉस्ट दादा बुझते पारछेन हैं आमी बुझते पारछी लेखो कौन लिखलो इन दिस केस ट्रांसफर प्राइस शुड बी रिलेवेंट कॉस्ट विदिन ब्रैकेट लिखो बीइंग डिटरमाइंड बाय मैनेजमेंट अकाउंटेंट बीइंग डिटरमाइंड बाय मैनेजमेंट अकाउंटेंट फुल स्टॉप ब्रैकेट क्लोज फुल स्टॉप तो सिंस देयर इज नो अपॉर्चुनिटी लॉस तुमको लिखा पड़ो अदरवाइज मार्क मिले ना सिंस देयर इज नो अपॉर्चुनिटी लॉस सिंस देयर इज नो अपॉर्चुनिटी लॉस ट्रांसफर प्राइस शुड बी वेरिएबल कॉस्ट ट्रांसफर प्राइस शुड बी कौन वेरिएबल कॉस्ट को वेरिएबल कॉस्ट कहते कहते बा लिखो लिखो स्टेटमेंट ऑफ ट्रांसफर प्राइस स्टेटमेंट ऑफ अ ट्रांसफर प्राइस तो कह कॉस्ट टू बी अच्छा वेरिएबल कॉस्ट के 24 तो टीपी के 24 तापर कह बी किनी परिबो माने डिवीजन वाई डिवीजन वाई किनी परिबो से यूनिट को केते रे 45 रे केते रे किनी परिबो 45 ता माने ट्रांसफर प्राइस मिनिमम टा केते हबो 24 मैक्सिमम केते हबो 45 ता माने 24 रु 45 भीतर त लख हियर मिनिमम ट्रांसफर प्राइस शुड बी 24 लख हियर मिनिमम ट्रांसफर प्राइस टुल बी हियर मिनिमम ट्रांसफर प्राइस शुड बी 24 नेक्स्ट लिखो एडिशनल एनालिसिस 1 एडिशनल एनालिसिस 1 व्हाट विल बी योर आंसर व्हाट विल बी योर आंसर इफ व्हाट विल बी योर आंसर इफ लेबर आवर अवेलेबल इज 3800 आवर्स व्हाट विल बी योर आंसर इफ लेबर आवर अवेलेबल इज 3800 आवर्स तो लेबर आवर जदि 3800 हला ताले कौन हबो योर आंसर लेख सॉल्यूशन तालुतन को तन हबो देखो एक्जिस्टिंग पाई दरकार के 5000
बट लेबर आवर अच्छी के 3800 प्रेजेंट एक्सटर्नल सेल भी हो पार ना प्रथम तुम कह कि कहते सेल कर ऑप्टिमम प्रोडक्ट मिक्स आग आसपुर ट्रांसफर प्राइस आसो मिक्स होकरी फाइनाल क्वेश्चन आसो इंटर भी मिक्स होकर आसो तेणुक ये सब क्वेश्चन इंटर वाला और फाइनाल वाला समस्ते सॉल्व कर पारिबो ओके लेख इन दिस सिचुएशन आंसर लेख तुम जान 5000 घंटा दरकार बट अच्छी 3800 ता बर्तमान हो पारे तो आदर क्या आगे या रु ना बी रु ना सी रु देखा कौन बनवाप पड़ो स्टेटमेंट ऑफ रैंकिंग हाँ ऑप्टिमम कंट्रीब्यूशन केमी आसाला स्टेटमेंट ऑफ रैंकिंग ओके तो जहाँ सब पढ़ी छो सब ये आसिक मिक्स हो बर्तमान लेखो इन दिस सिचुएशन द कंपनी हाज ओनली 3800 लेबर आवर्स इन दिस सिचुएशन द कंपनी हाज ओनली 3000 लेबर आवर्स मैं टे अलग इंग्लीश भी अच्छी मो सब आड़ को अलग इंग्लीश रे कहीं पार तुम खाली हस कहनी 3000 लेबर आवर्स हुई मीन्स एक ही फैक्टर हुई मीन्स एक ही फैक्टर लेबर आवर की फैक्टर बिकज वी नीड 5000 आवर्स फॉर एक्सटर्नल सेल बिकज वी नीड 5000 आवर्स फॉर एक्सटर्नल सेल बट अवेलेबल आवर इज 3800 हेंस वी शुड यूटिलाइज आवर लेबर आवर इन ऑप्टिमम मैनर हेंस वी शुड यूटिलाइज आवर लेबर आवर इन ऑप्टिमम मैनर वी शुड यूटिलाइज आवर लेबर आवर इन ऑप्टिमम मैनर कौन कर प्रथम बनेब स्टेटमेंट ऑफ रैंकिंग लेख स्टेटमेंट ऑफ रैंकिंग मुझे जो एग्जांपल कराऊँ एग्जांपल सी फाइनल मैट्रे अच्छी सी एम ए फाइनाल मैट्रे अच्छी सी फाइनल एग्जाम भी आसूसी सी एम फाइनल एग्जाम आसूसी सी इंटर मैट्रे अच्छी सी एम ए इंटर मैट्रे अच्छी सी एस मैट्रे भी अच्छी तेणुक क्वेश्चन समस्त ओके लेख स्टेटमेंट ऑफ रैंकिंग बसीगल आम बस पैसा दे स्टेटमेंट ऑफ रैंकिंग पर्टिकुलर ए बी सी पिले कहले देखी कंट्रीब्यूशन पर यूनिट ये रखते हम भाई सेलिंग प्राइस 48 वेरिएबल कॉस्ट 33 हाँ कि नहीं बा तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट ये रखते 15 बी रो 46 माइनस 24 22 सी रो 12 किए तुम्हारे लिमिटिंग फैक्टर लेबर आवर तो देखिए लेबर आवर पर यूनिट लेबर आवर पर यूनिट 3 4 तालपले 2 तो कंट्रीब्यूशन पर आवर कंट्रीब्यूशन पर आवर 5.5
सिक्स रैंकिंग बा रैंक 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 किसको एक दिया जाएगा सी को दो बी को तीन तीन तमने फास्ट वी हैव टू प्रोड्यूस सी देन वी हैव टू प्रोड्यूस कौन बी देन वी हैव टू प्रोड्यूस सी ए लिखो अबे स्टेटमेंट ऑफ ऑप्टिमम प्रोडक्ट मिक्स स्टेटमेंट ऑफ ऑप्टिमम प्रोडक्ट मिक्स पर्टिकुलर नहीं पर्टिकुलर कौन ऑप्टिमम प्रोडक्ट मिक्स कैसे हुए लिख प्रोडक्ट डिमांड आवर पर यूनिट लेबर आवर आलोकेटेड या तो थिला आगुरी स्टेटमेंट एमते बनाउथिल तो लेबर आवर आलोकेटेड तबरे कौन आ यूनिट्स प्रोड्यूस यूनिट्स प्रोड्यूस बैलेंस आवर एते लेंदी करथिली आगुरु मते नेचर लेंदी मु कोन करबी मते तो स्टूडेंट गाली करंती कि जोटा सहज रे हि परिवो सारे तक पूरा कांसेप्ट दे 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 कोन कर देबे लेंदी कर देबे यूनिट्स प्रोड्यूस्ड बैलेंस लेबर आवर मते किछ जाना नै शॉर्टकट मो हनुमान भाया गर्धमादन पर्वत उठाई देदेवी तुम ताकि विशाल कर खोज मोर भाई दे पारि स्टेट कारण आम हनुमान भक्त प्रथम कौन सा प्रोडक्ट बनेब सी को बोलो सी का मार्केट डिमांड कितना 300 सी लेबर आवर कितना लेगा पर यूनिटी 2 तो इसको लेबर आवर एलोकेट हो जाएगा 600 इसमें बन जाएगा 300 तो बैलेंस लेबर आवर कितना रहला 3200 इसके बाद बी देखो बी सुना बी 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 कौन बी मार्केट डिमांड कैसे अच्छी 500 अच्छा मार्केट डिमांड रे कंपनी को अधिका पैसा मिली ना ट्रांसफर करले अधिका मिली अरे कंपनी को अधिका पैसा कोठी मिली मार्केट रे सेल करले ना ट्रांसफर करले मार्केट रे सेल करले आग तो मार्केट रे सेल करिवो ना नहले तमरो रेपुटेशन खलाप ही जीवो कौन ही जीवो खलाप खलाप तेणुकि आग बी रो मार्केट डिमांड को दियो केते 500 अरे बुझुच ना नहीं बा मागणा डर तुम मैनेजमेंट अकाउंटेंट हम सहज सहज क्वेश्चन तो तुम इनिट्यूट देदे तुम लिखिद पास कर जाऊ थे सीए फाइनल एग्जाम दल चोपा छाड़ कलावाला भी सी गोरा ही जी कारण चोपा गोटे पर छाड़ तो कह बी कौन है बी के 500 पर यूनिट के ताली केते घंटा 2000 अच्छी 3200 तार 500 ही जीवो बड़ी पड़ी वो केते बालत केते केते बालत 1200 किछ फरक पड़ी वो नहीं तो भाव सारे कौन एमती कहते यूट्यूब देखिए जी देखिए से जानू मु एमतिया आ कौन ता मैंने कहूँ मो प्रकृति बदल देवी चांस नहीं तुम खराब लगुच तो मो क्लास देख ठीक ना भूल गई तापर क्या तैयारी कर ए ए ए मार्केट डिमांड के 800 ये के नब तीन 8 × 24 दरकार बट आपको आलोकेट हो पारे 1200 तो प्रोडक्शन हो पारे 400 तो दिस इज योर ऑप्टिमम प्रोडक्ट मिक्स आर यू गेटिंग द पॉइंट एस 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 और नो
ସେଟା ଆଇଲା ବେଳକୁ ଖୁଜୁରୁ ବୁଜୁରୁ ହେଉଛି, କ'ଣ ଗୋଟେ ଦେଖୁଛୁ, ଏମିତି ଖୁଜୁରୁ ବୁଜୁରୁ କାହିଁକି ହେଉଛୁ? କ'ଣ କରିବା ଶୁଣ, ଯେତିକି ଲେବର ଆୱାର ଅଛି ସେତିକିରେ ଏତିକି ୟୁନିଟ୍ ହେଇଯିବ, ଏମିତି ବି ତ ଏର କିଛି ୟୁନିଟ୍ ହେଇପାରିଲାନି, କେତେ 400, ସେଇଥିରେ ପୁଣି ବି କହିଲାଣି ମୋତେ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ କର, ନାଇଁ ୱାଇ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ କହୁଛି ମୋତେ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ କର ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ବି, ତ ୱାଇ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟକୁ ଇଆଡ଼େ ବୁଝ, ୱାଇ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟକୁ ଯଦି ମୁଁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ କରିବି ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ବି, ତା'ମାନେ ମୋତେ ଏକ୍ସଟ୍ରା ପ୍ରଡ଼କ୍ସନ୍ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, ହଁ କି ନାଇଁ ବା, ଏକ୍ସଟ୍ରା ପ୍ରଡ଼କ୍ସନ୍ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, ତ ଇଏ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ସେଲ୍ରୁ ମୋତେ କାଟିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, ତ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ସେଲ୍ରୁ କାଟିଲେ ମୋର କ'ଣ ହେବ, କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍ ଲସ୍ ହେବ। तो लेख इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस, इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस 300 यूनिट्स ऑफ बी, इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस 300 यूनिट्स ऑफ बी एज एक्स्ट्रा प्रोडक्शन एज एक्स्ट्रा प्रोडक्शन ଫର୍ ଦ ପର୍ପଜ୍ ଅଫ୍ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍, ଫର୍ ଦ ପର୍ପଜ୍ ଅଫ୍ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ ୱି ନିଡ଼ 300 × 4 ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 1200 ଆୱାର୍ସ। ଶୁଣ, 1200 ଆୱାର୍ସ ତୁମର ଦରକାର, ହଁ କି ନାଇଁ ବା, କାହାକୁ ବନ୍ଦ କରିବ, ସିକୁ ନା ବିକୁ ନା ଏକୁ, ନାଇଁ ସିକୁ ବନ୍ଦ କରିଦିଅ, ସିକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେବା, ଆରେ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଆକାଉଣ୍ଟାଣ୍ଟ ହେବ ନା, କୁହ ସିକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେବା, ସିରେ ତ ଅଧିକା କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍ ଆସୁଛି, ବିରେ ଆସୁଛି, ତାପରେ ଏରେ ଆସୁଛି, ତ ବନ୍ଦ କାହାକୁ କରିବି, ଏକୁ। ମୋର ଦରକାର କେତେ ଘଣ୍ଟା, ତ 1200 ଘଣ୍ଟା କାଟିବି କେଉଁଥିରୁ, ଏରୁ, ତା'ମାନେ ଏକୁ ମୁଁ ବିଲକୁଲ ପ୍ରଡ଼କ୍ସନ୍ କରିବି ନାହିଁ। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଦି ଲେଖ, ହ୍ୱିଚ୍ କ୍ୟାନ୍ ବି ମ୍ୟାନେଜ୍ଡ, ହ୍ୱିଚ୍ କ୍ୟାନ୍ ବି ମ୍ୟାନେଜ୍ଡ ବାଇ ନଟ୍ ପ୍ରଡ୍ୟୁସିଂ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ଏ। କଷ୍ଟିଂ ବହୁତ ସହଜ ନୁହଁ, ସହଜ ନା ସହଜ ନୁହଁ, ସହଜ ନୁହଁ, ଏଇଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ବହୁତ ଡିଫିକଲ୍ଟ ପାଠ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସହଜ କରାଇ ଦେଉଛି, ଇଏ ହେଉଛି ମୋର କ୍ୱାଲିଟି। ମନେ ମନେ କୁହନ୍ତୁ, ମନେ ମନେ ନା କ'ଣ କହୁଛ, ଏ ପାଠ ପଢା ଏଇଠୁ ବନ୍ଦ, ମୁଁ ପଢ଼େଇବିନି, ତମେ ସହଜ କରଉନି, ଭାବୁଥିବ, ତମେ ସୈତାନ ଭାବିଥିବ, ତମେ କ'ଣ ଗୋଟେ ଭାବୁନ, ମୁଁ କହିଦେବି। ହ୍ୱିଚ୍ କ୍ୟାନ୍ ବି ମ୍ୟାନେଜ୍ଡ ବାଇ ନଟ୍ ପ୍ରଡ୍ୟୁସିଂ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ଏ ଡ୍ୟୁ ଟୁ ଲିଷ୍ଟ କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ, ଲିଷ୍ଟ LIST ନୁହଁ, LEST, ଲିଷ୍ଟ କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ, ଏବେ କୁହ ଇଏ କେତେ ୟୁନିଟ୍ ବନାଉଥିଲ, 400, ଇଏ କେତେ ୟୁନିଟ୍ ବନାଉଥିଲ, 400, ଏରୁ ପର୍ ୟୁନିଟ୍ କେତେ ଟଙ୍କାର କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍ ଆସୁଥିଲା, 15 ଟଙ୍କା, ତା'ମାନେ 400 ୟୁନିଟ୍ ଅଫ୍ ଏରୁ 400 × 15 ଇଜିକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ କେତେ କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍ ପାଉଥିଲ, 6000 କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍ ପାଉଥିଲ, ଏବେ 400 ୟୁନିଟ୍ ଏ ବନ୍ଦ କରିଦେଇକିରି ତା ବଦଳରେ କେତେ ବନେଇବ, 300 ବିର ଭ୍ୟାରିଏବୁଲ କଷ୍ଟ କେତେ ହେବ, ଭ୍ୟାରିଏବୁଲ କଷ୍ଟ କେତେ ହେବ, 24 × 300, ଆରେ ହଁ କି ନାଇଁ ବା, ଭଗବାନଙ୍କର 10 মাস 10 দিন ହେଇଥିଲା, ସେ ଆଜି 300 ୟୁନିଟ୍ ଦେଲେ, ମାନେ ଜନ୍ମ କଲେ। ଆରେ ବି କହିଛି ମୋର କେତେ ଦରକାର, ସରି ୱାଇ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ କହିଛି ମୋର କେତେ ବି ଦରକାର, 300 ତ ନା, ବୁଝିଲନି ବା, ତ 300 ସେଉଠୁ ଆସିଲା, ୱାଇ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର କେତେ ଦରକାର,
एक्स्ट्रा बा 300 तेणुक 400 ए को बंद करी हम 300 बी बनेबा कारण 400 ए रे जाउची केते घंटा 1200 घंटा 300 बी रे जीव केते घंटा 1200 घंटा आर यू गेटिंग द पॉइंट ओके तो 24 300 रागु छ कि म एमती कहू छी मोर नेचर टिके सेया म टिके कार्टून करे मुझे कार्टून करे तुम यदि कह सार एम कहीं कौन के माइंड कर हाँ आ पूर्व क्लास कही मुझे जिते कह भी तुमको एमती तुम से शीघ्र कौन हम सी एम हम तुम पुणी जल्दी दरकार कारण सेपटे कौन धान बिल खस खस ना अरे जल्दी फल्दी सब कले तो भाषा हम ना नहीं तुम पिला छुआ पुणी आस मो पाखे पाठ पढ़े ना पढ़े कह से देव मास्टर पाखे जा के गपनी 7200 प्लस अपॉर्चुनिटी लॉस हाँ कि नहीं बा नो अपॉर्चुनिटी लॉस ये को बंद करके ट्रांसफर कर नो अपॉर्चुनिटी लॉस के अपॉर्चुनिटी लॉस है 6000 तो टोटल के 13200 तुम दर 13200 के यूनिट रु 300 रु तो टीपी कौन हम तेल दले द्वित हलन तिलित तेल दले द्वित हलन तिलित 44 चलो सी मार्केट रू कि केते रे 45 रे चलो फिर भी फायदा ओके लेगा स्टेटमेंट ऑफ ट्रांसफर प्राइस तो जीवनटा पल कौन बन स्टेटमेंट ना लेख स्टेटमेंट ऑफ ट्रांसफर ऑफ लाइट कह कॉस्ट टू बी इनकर्ड दैट इज वेरिएबल कॉस्ट 24 आगे ने बा लॉस्ट ऑफ कंट्रीब्यूशन 6000 हरण के 300 के कह सारे 6000 आइला कौठू 400 इंटू कौन बा 15 यहाँ लिखाई तेणुक तुम बुझीपरच समझदार के लिए इशारा हमेशा काफी ही होता है तो कह के 44 तो टीपी इजिकल टू 44 हाँ टीपी जदि 45 को एक्सीड कर ताहले हमें कही था बाबरे तो बजार रु कि ओके ओके नेक्स्ट लेख एनालिसिस टू ये एनालिसिस वन थिला ये एनालिसिस वन थिला अब लिखो एनालिसिस टू व्हाट शुड बी योर आंसर लिखो व्हाट शुड बी योर आंसर व्हाट शुड बी योर आंसर If available labor hour is equal to 5600 available labor hour is equal to 5000 kana 600 suna ye analysis ra आंसर मु तुमको दौर तुम्हें निजे सॉल्व करके मत देख जे ट्रांसफर प्राइस कौन हम मु तुम नॉलेज भी तो टेस्ट करी ना हाँ कि नहीं बा तेणुक लेख दिस इज होमवर्क लेख होमवर्क ये एनालिसिस थ्री तुम्हें एनालिसिस टू तुम्हें होमवर्क लेख तुम्हें मत सॉल्व करके आंसर देख ओके जो मैंने यूट्यूब क्लास करमें सॉल्व कला 8260 839219 रे व्हाट्सअप अच्छे से व्हाट्सअप रे फोटो करदेव फोटो सेंड करदेव निज ना लिखिकी ओके गोटे खुशी आऊ ना कौन तो ये थिला ट्रांसफर प्राइस रो क्लास फॉर टुडे दिस इज द एंड ऑफ टुडेज क्लास काइंडली होमवर्क को निजे सॉल्व करियो के समय देख स्टॉप